अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं छोटा सा ये ब्लॉग लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग रिदा बना रही है आजकल। रिदा को मैंने बोला है कुछ कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए, तो रिदा बड़ी अच्छी से, ये रिदा की बुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये उसने पहली पेंटिंग बनाई है कल के ब्लॉग, ये उसकी पहली पेंटिंग है। ब्लू पैराशूट बनाया है उसने, कुछ रेड और येलो कलर उसने पेंट किए हैं और ये बड़ी खूबसूरत सी गहरी पेंटिंग उसने बनाई है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आज देखते हैं हमारी बकरियां क्या कर रही हैं। बहुत दिनों का मैं उनके पास गई नहीं हूँ और सबके सब प्रेग्नेंट हैं। शाम का टाइम होता है जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं, 5-5:30 बजे, और ये है हमारी बकरियाँ। शायद है, नहीं है, बट ये है। और ये दो वो चिड़िये हैं जो यहाँ पे इनका खाना खाने आती हैं। ये दोनों यहाँ बैठी रहती हैं और खाना खाती हैं और हमसे तो डरती भी नहीं है, उड़ाओ तो उड़ती भी नहीं है। ये है आज का वेदर, बादल आज के बहुत अच्छे हैं ऊपर आसमान में। तो क्या कर रहे हो तुम लोग। तो इनको शाम का खाना पीना खिला दिया गया है और अभी असर का टाइम हो चुका है, अब इनको बंद करेंगे। सबसे मजेदार यहाँ पे इन बकरियों के साथ जो फ्रेंडशिप हुई है इन चिड़ियों की, ये सबसे मजेदार चीज है, क्योंकि ये दोनों उड़ती नहीं है बिल्कुल भी। बहुत मजा आता है इनको देख कर, डरती भी नहीं है, भगाओ तो भागती भी नहीं है। मेरा गार्डन, ये मेरा गुलमोहर का पेड़ जो इतना बड़ा हो गया, ऊपर से इतना खूबसूरत लगता है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये व्यू भी शेयर करना चाहिए। और ये सामने का गार्डन है मेरे घर के, प्यारा बकरा है, गंदा गंदा संदा, गंदू गंदू, जा यहाँ से गंदू, इसका नाम है सिम्बा। आसमान में दूर में एक पतंग उड़ रही है, शायद इसमें दिखे ना दिखे, ये दिख रही है, ये इसके, ये दोनों ये खाना खाने आती है और इन लोग दोस्ती कर ली है, डरते नहीं है। और ये काले बगले जा रहे हैं, ये बगले ना ब्लैक कलर के हैं, काले, व्हाइट बगले देखे होंगे, बट यहाँ आसमान में खड़े रहो शाम के टाइम पे तो बहुत सारी चिड़ियाँ जाती हैं। ब्लैक बगले काफी यहाँ से जाते हैं, जो मैंने खुद भी यहाँ फर्स्ट टाइम देखे हैं ब्लैक बगले जाते हुए। अभी वो आसमान में कोई काला बगला जा रहा है ऊपर, मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। इसके मुंह में चोट लग गई थी बहुत दिन पहले, लेकिन अभी ठीक हो गई है, लेकिन यहाँ की स्किन ऐसी हो गई है इसकी। कुछ अभी प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे पैरा या घास या कुछ भी इनके बेबीज होने वाले हैं, एक आध हफ्ता या 10 दिन का टाइम है अभी, 10-15 दिन का। तो इनके लिए अभी यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन करूँगी ताकि इनके बेबीज हों तो वो ज़मीन में ना गिरें, पैरे पे रहें या कुछ भी बोरा वगैरह बिछा के, तो अभी वो सब करना है। और कैमरे मैंने लगा रखे थे पहले से भी इनके कमरे में, बट कैमरे ये पूरा वायर खा चुके हैं कैमरे का, दिखाती हूँ। कैमरा लगवाया था, आज वो कैमरा वाला आया है, ये यहाँ पे कैमरा लगवाया था और वो कैमरा वाला आज आया है और कैमरा निकाल कर लेकर गया है। अब देखिए वो कब आता है और कब उसको वापस ठीक से लगाता है। अब मैं वो कैमरा बाहर लगवाऊंगी, मैं यहाँ आसपास कहीं लगवाऊंगी, जैसे मैंने ये बल्ब भी बाहर करा दिया, क्योंकि ये सारे वायर्स ये बकरियाँ खा जाती हैं और फिर इसमें से करंट आता है,
तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं वही सोच रही हूँ अभी कैमरा यहाँ पे कहीं फिक्स कराऊंगी ताकि अंदर उनका पूरा रूम का मेरे को व्यू दिखता रहे। आज मैं लेकर आई ये वाली फिश, इसमें बोलते हैं कि बोन होती है। अब इसको साफ करके इसको मैरिनेट करके रखूंगी और फिश फ्राई बनाऊंगी और बनाऊंगी साथ में मटन की एक ग्रेवी, ग्रीन ग्रेवी मटन, हरे मसाले का मटन। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है, इसकी मुंडी कट करके इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, नींबू का रस और नमक डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर और इस सब को मैरिनेट करके मैं इसको फ्राई कर दूंगी।